लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम सबको यहाँ बिठाकर बहुरानी कहाँ चली गई? भगवान जाने कब आएगी। 9 बजे मौसम्बी का जूस और फिर दोपहर तक कुछ नहीं। सुना है आप दुबले होने के लिए कोई गोलियां लेती है, वो खाने से पहले लेती है या खाने के बाद? क्या वो गोलियां ही खाना बन जाती हैं? हाय हाय हाय, गजब है। आओ आओ बरकुरदार, आओ आओ, खड़े क्यों हो गए? थाली उठाओ और यहाँ बैठ जाओ। अरे आप लोग को यहाँ बिठाकर वो महारानी टेलीफोन किसको कर रही है? ये किससे पूछ रहे हो तुम? आप लोग यहाँ कितनी देर से बैठे हुए? ज्यादा नहीं, ये कोई 60 मिनट हुए होंगे। 60 मिनट? देखिए अब मैं क्या करता। आहिस्ता बोल, कहीं सुन लेगी। मैं उसे वो मजा चकाता हूँ। अच्छा वो बताइए। पार्वती, पार्वती वो लोग थाली में बैठे इंतजार कर रहे हैं। पता है, मैं ही तो उन्हें बिठा कर आई थी। बड़ी जरूरी बात कर रही है शीला देवी से। हाँ अच्छा बोलिए ना। भाई अब खाने का और इंतजार नहीं करेंगे, नहीं तो खाना हमें हजम कर जाएगा। ला ला लो अपनी अपनी थाली ला। बिटिया सबको परोस दो, सबको परोस दो, शाबाश। क्या कहानी के अंदर 3-3 लड़के आपसे प्रेम करते हैं? फिर तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। कौन जाने आप किसे चुनेंगे। कहानी बड़ी अच्छी है। अच्छा कल मिलेंगे। हाँ अरे बात तो करने दो। अरे क्या बात करने दो, पिताजी कब से थाली के पास बैठे हैं, जल्दी चलो। चिंता ना करो बेटे, हमने खा लिया, बड़ी मुन्नी ने परोस दिया था। आज क्या दिन है बेटे? आज शुक्रवार है। शुक्रवार तुम्हारे यहाँ खाता हूँ ना, सो खा लिया। बस यही कहने आया था, जीते रहो। दीदी दीदी क्या है रे? आज शाम को हमारे कॉलेज में मेरा डांस प्रोग्राम होने वाला है। हाँ हाँ मुझे पता है। तुम्हें पता नहीं दीदी, प्रोग्राम देखने तो शीला देवी भी आ रही है। शीला देवी? हाँ सच? हाँ बड़े दीदी, अभी अभी मैं उन्हीं के घर से आई हूँ, सारा इंतजाम कर लिया है मैंने। अच्छा दीदी आप लोग भी आएंगी ना? कहाँ बुला रही है माला तुम दोनों को? उसका नाच देखने शीला देवी भी आ रही है। ओए माँ हम भी चलेंगे दीदी। ये क्या पूछ रही हो तुम, बगैर हमारे आए शीला देवी थोड़े ही आ सकती है। सच तो है। को सांस लेने की फुर्सत नहीं, सारा दिन शूटिंग, शाम को मीटिंग, जुहू पर बोटिंग, होटल में ईटिंग। आजकल इन तीनों महारानियों को इतनी फुर्सत नहीं कि अपने बच्चों को नहला ही दें, न जाने कहां गई हैं सब। अरे क्या बात है बच्चों, क्यों गुगलू बुगलू, सब एक साथ लाइन लगाए खड़े हो? आज पहली तारीख है ना दादाजी, हमें चॉकलेट मिलेंगे, मिठाई मिलेगी। तुम्हें चॉकलेट मिलेंगे, मिठाई मिलेगी, जानते हो मुझे क्या मिलेगा? क्या? नोटों की गठियां। जब मेरे बेटे आएंगे अभी सब तनख्वाहें यहाँ ढेर कर देंगे, इसीलिए संदूक रखा है, ये कलम, ये रजिस्टर और ये चश्मा। बस अब आते ही होंगे। क्या चॉकलेट? ए साहबजादे पहली तारीख है, कहाँ है तुम्हारी तनख्वाह? है अरे क्यों भैया ने लाया? नहीं लाया। ओहो फिक्र मत करना, कल लेके आता हूँ, इतने सारे लेके आता हूँ। पिताजी आओ बेटे आओ। ठहरिए पिताजी, गिन के देता। जरूर जरूर गिन के ही देना चाहिए। अरे ये क्या, ये तो कम है। कम है? हाँ तो फिर बाकी के कहाँ गए? यहाँ तो नहीं गिरे। ठहरिए पिताजी मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ पिताजी। बीबी का गुलाम। क्या बात है पिताजी, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। अरे
ये क्या संदूक खाली? क्या मेरे भाइयों ने अपनी तनख्वाह नहीं दी आपको? सबसे बड़ा सबसे खरा निकला, सीधा आया सीधा अंदर चला गया, उसके बाद मंझला आया। चिकनी चुपड़ी बातें तो बहुत की, लेकिन बिना कुछ दिए लिए वो भी सीधा चला गया। अब तू सबसे छोटा आया है, तू क्या करेगा राम जाने। पिताजी हमेशा सबसे छोटा बेटा ही बाप के काम आता है। मैं जानता हूँ बेटे, मैं जानता हूँ। भगवान तेरा भला करे, लंबी उम्र हो तेरी। चेक है क्या? माफ कीजिएगा। राधा आओ 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 आओ, अपने पाँव दो। क्यों क्यों? जूते निकालती हूँ। अरे नहीं नहीं छोड़ो भाई। रहने दो ना, अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? दो। बाप रे, गिर पड़ी तू? कहीं चोट तो नहीं आई? मुझे माफ कर दो। माफ कर दिया। सुनो मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ, तुम लोग आज एक दिन तो इंतजार करोगी ही, आज पहली तारीख जो है। तो क्या मैं और दिन इंतजार नहीं करती? करती हो, मगर इतनी उतावली नहीं होती। पहली तारीख के बाद बाकी दिन हमें इंतजार करना पड़ता है खाने के लिए। जानते हो पिताजी को चकमा देकर तुम्हारे यहाँ पहुँचने तक मेरी तो जान सूख गई थी। अच्छा लाओ अपनी तनख्वाह लाओ, दो ना। हाँ हाँ तनख्वाह लाओ। बेचारा पति थका मांदा घर लौट के आया है, उसे एक कप चाय पूछती नहीं और कह रही है तनख्वाह दो। अच्छा बोलो क्या चाहिए तुम्हें, चाय या कॉफी? बस काफी काफी है। कॉफी देती हूँ देती हूँ देती हूँ देती हूँ देती हूँ देती हूँ। कॉफी क्या चल के यहाँ पे आ जाएगी, या मैं तनख्वाह दूंगा तब कॉफी दोगी? तो ऐसे ही समझो, लाओ ना तनख्वाह लाओ ना। अच्छा अच्छा देता हूँ, मुझे मस्का लगाने की जरूरत नहीं। ये लो सारी तनख्वाह पिताजी से छिपा के तुम्हें लाके दे रहा हूँ, अब इसे सारे दिन में उड़ा दो। लिफाफा इतना हल्का, सब सोसो के नोट है क्या? लिफाफा तुम्हारे हाथ में, खोल के देख लो। बोल रही हूँ न चला। ये क्या? एक रुपया आठ आने बने। तो ये है तनख्वाह? हाँ। बाकी खर्च बिना मेरे जाने कहाँ खर्च कर दिए? वो तो मेरे बिना जाने खर्च हो गए। तो ये अपने पिताजी को ही दे देते? राधा ये तुम क्या कह रही हो, क्या मैं ये बने पिताजी को दूंगा? वो क्या मजदूर है? तो क्या मैं मजदूर हूँ? राधा क्यों दादाजी, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं बेटी। क्यों नहीं खाया आपने? किसी ने बुलाया नहीं इसीलिए मैंने खाया नहीं, अब जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं दादाजी? घर में कोई नहीं, सब घूमने गए हैं। तो मैं भी जरा घूम आता हूँ किसी होटल तक। होटल? अरे राम बेचारे दादाजी, आज किसी ने उन्हें खाने को नहीं कहा, सो होटल में खाना पड़ा। दीदी दीदी जरा मुझे 10 रुपए उधार दे दो। 10 रुपए? और मेरे पास फर्नीचर का किराया, साड़ी की दुकान की किस्त, लोगों का कर्जा, ये सब देने के बाद तनख्वाह तो 3 तारीख तक ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा तो 3 तारीख तक भी चलता है दीदी, हमारे यहाँ तो 1 तारीख को ही सब साफ हो जाता है। वाह 300 रुपए तनख्वाह वाली ऐसा कह रही है, नाम के ही है 300 रुपए, हाथ में तो सिर्फ 1.5 रुपया आता है। कर्ज लिए रुपयों का ब्याज कौन देगा, उन तमाम चीजों की इंस्टॉलमेंट कौन देगा जो हम बिना सोचे समझे बाजार से खरीद लाएं? हाँ हाँ यहाँ भी सारी तनख्वाह तो इंस्टॉलमेंट में ही चौपट हो जाती है, दूसरे जरूरी चीजों के लिए कौड़ी नहीं बचती। हमारे यहाँ भी यही हाल है। पार्वती दीदी से मांग कर देखो ना। बड़ी दीदी से? मैंने तो तुमसे 10 रुपए मांगे, वो मुझसे 5 रुपए मांग रही थी अभी कुछ देर हुए। हेलो मैं शंकर बोल रहा हूँ। जी हाँ आपका कर्जदार शंकर लाल। ओहो ये जरूर जरूर साहब, आपके रेडियो का इंस्टॉलमेंट जरूर आपको मिल जाएगा। क्यों घबरा रहे आप? अरे क्यों? अरे अरे क्या कहा? मैं बात तो नहीं, आप मैं बेशरम हूँ? क्या बोल रहे साहब आप? देखिए अगर आप मेरे सामने होते तो मेरी शक्ल देखते आप शर्म के मारे जमीन पे गिरी जा रही है। आपको तो पता है साहब, सबको पता है कि अब तक मैं अपने बाप का कर्जा चुकाते आ रहा हूँ,
जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा ना तो वो मेरा कर्जा चुकाएगा। अरे दीदे फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है, जा इसे ले जा, कहीं गिरवी रखकर 100 रुपए ले आ, और देख बड़े मालिक को पता ना चले। खड़ा क्यों है, जा ना। अरे ऐसे लहरा क्यों रहा है? जी कुछ नहीं। कुछ नहीं फिर यूं मचलता क्यों है, कमर में दर्द है क्या? जी यूं ही। इस कपड़े में क्या छुपा रखा है? जी कुछ नहीं बाबूजी। निकाल निकाल बाहर। कुछ नहीं। तो इसका नाम कुछ नहीं है, चोरी करके ले जा रहा था। नहीं नहीं मालिक, छोटी बहू ने दिया है गिरवी रखने को। छोटी बहू ने दिया है जी गिरवी रखने को? जी हाँ। आ मेरे साथ। क्या कहा था, कितने में गिरवी रखना? उन्होंने कहा जो कुछ मिल जाए ले आना। तो मैं तुझे 50 रुपए देता हूँ। कम से कम 100 तो दीजिए। बुद्धू साहूकार तुझके आधे भी न दे। और देख किसी से कहना नहीं कि तुमने मुझे दिया रुपए मुझसे लिए गए, नहीं तो वो फिटनेस होगी कि नानी याद आ जाएगी। और हाँ घर में से कोई भी तुम्हें कोई चीज दे कि गिरवी रखे आओ या बेच आओ, मेरे पास ले आओ, पैसे मुझसे ले जाओ, याद रहेगा? ठीक है बाबूजी। शाबाश। हेलो हेलो। नहीं जी वो बाहर गए जी। हाँ हाँ शंकरलाल जी वो मेरे पति है, आज बाजार गए हैं। हाँ हाँ वो आएंगे तो मैं उनको बोलूंगी आपको टेलीफोन करने के लिए। अच्छा नमस्ते। शंकरलाल नहीं है, बाहर गया है, रॉन्ग नंबर, नमस्ते। ए नथू इसे कहीं ले जाकर बेच दे और रुपए ले आ। बहू जी ये तो चांदी की थाली है। तो मैंने कब कहा कि पीतल की प्याली है, जा ले जा। ये किसने दिया भाई? बड़ी बहू ने बाबूजी। बेचने को कहा या गिरवी रखने को? जी बेचने को ही कहा। बेचने को कहा है, बहुत अच्छे, कोई झंझट ही नहीं, गिरवी रखे तो फिर छुड़ाना भी तो पड़ता है। आमदनी 98, खर्चा रुपया, नतीजा न पूछो मेरे लाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। नमस्ते सेक्रेटरी साहब। ओह नमस्ते मास्टर जी, आइए आइए। मैं संगीत सिखाने आया हूँ, जरा शीला देवी को खबर कर दीजिए। ओह स्टूडियो से फोन आया था, अभी 10 मिनट में आने वाली। कोई बात नहीं, मैं घंटा भर इंतजार करूंगा। अगर पार्वती ने पूछा कि देर क्यों हो गई तो कह दूंगा कॉलेज में देर हो गई। अरे ये तो मेरे भाई की आवाज है। जी आपके भाई की आवाज है। अरे यहाँ कैसे आ गया, इसने अगर मुझे देख लिया तो गजब हो जाएगा, आप मुझे कहीं छुपा दीजिए ना। अब आपको छुपाना भी पड़ेगा। अच्छा तो आप ऐसा कहिए कि आप उस सोफे के पीछे छुप जाइए। शुक्रिया। इट्स ऑल राइट। महेश yes? नमस्ते महेश। नमस्ते। शीला जी कहाँ है? वो भी आती है 10 मिनट में। जानते हो महेश मेरे दिल में कितनी ख्वाहिश है, कितने अरमान भरे हुए हैं, ढेर की ढेर। क्यों मिस्टर, वो जो तुम्हारे बड़े भाई है ना संगीत मास्टर, क्या उनको मालूम है कि तुम यहाँ आए हो? नहीं भाई नहीं, अगर मेरे घर में किसी को पता चल गया कि मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे से छुट्टी हो जाएगी। अच्छा देखो महेश, माना कि मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ लेकिन क्या करूँ, इस मुलायम दिल को कैसे समझाऊं। बस अब शीला देवी ही मेरा बेड़ा पार कर सकती है। बताओ कब आई हो? आ जाएंगी आ जाएंगी। महेश। ओह कन्हैया। कन्हैया मैं छोटा भाई। छोटा भाई बस मैं मर गया, अब मैं क्या करूं? आप भी छुप जाइए ना। कहां? उस सोफे के पीछे। ये चोर यहाँ क्यों आ गया? अरे ले चश्मा ले चश्मा। अरे हाँ हाँ अरे महेश महेशू क्या है क्या है? ठीक ठीक मैंने कहा देवी जी है। कौन देवी जी?
अरे शीला देवी और कौन सी देवी? ओ है घर पे, शूटिंग पे गई है, देर से आएंगे फिर मिलेंगे। तो आप मुझे भगाना चाहते हैं? मुझे कोई काम वाम तो है नहीं, मैं तो आज शीला देवी से दिल खोल के बात करूंगा तभी जाऊंगा, ठीक है ना महेशु? ठीक है। एक और जो सोफा पड़ा हुआ है। क्यों भाई महेशु, तुम कैसे हो? ठीक हूँ कन्नू। आहा रहने दो, ये सेव मैं शीला देवी को अपने हाथों से दूंगा ताकि उनको मेरे दिल की भावना का पता तो लगे। अच्छा कन्नू, अगर तुम्हारे भाइयों को ये मालूम हो जाए कि तुम शीला देवी से मिलने यहाँ आते हो, उनके लिए सेव लाते हो, तो वो कोई भाई है? बेवकूफ है, महाबेवकूफ। ये नहीं सोचेंगे छोटा भाई प्यार से चार फल लाता है, बल्कि उल्टा सीधा समझकर सारे शहर भर में मेरी बदनामी का ढिंढोरा पीट देंगे। देवी जी कब आएंगे? अभी आते हैं। अच्छा अगर तुम्हारे पिताजी, पिताजी अगर बापरे मेरे भाई लोग ही हैं। जी हाँ, इसीलिए पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे पिताजी भी आने वाले, लेकिन तुमने तो सारा घर सर पे उठा लिया। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। शुक्रिया, आप भी बैठ जाइए। मैं? हाँ। क्यों? बहुत शुक्रिया, तुम दोनों का फोटो इसमें है, मैं चलता। कन्हैया देखो, सावधानी से रखना, अपनी सहेली कमला से उधार मांगकर लाई हूँ। मुझे पता है दीदी, उधार मांगकर लाऊं मैं और पहनकर घूमेंगी ये। कमला भी शहर में नहीं है, नहीं तो उसका ये हार लौटा देती उसे। ताई चिट्ठी आई है। तीनों में से एक का पति सिनेमा स्टार शीला देवी के पीछे दीवाना है, दोनों में गहरा संबंध है, अगर मामला और आगे बढ़ा तो सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए जरूरी है उसे यही रोक दिया जाए। सत्यवादी। राधा, तू राधा के लिए है ये चिट्ठी, मैं बच गई। राधा, राधा। हाँ दीदी। लो ये तुम्हारे नाम चिट्ठी है। बच्चे ने गलती से मुझे दे दी और गलती से मैंने खो दी, मगर पढ़ी नहीं मैंने। मेरे लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे ही लिए है। मुझे कोई ऐसी चिट्ठी क्यों लिखने लगा दीदी? गलती से तुम्हारे नाम की चिट्ठी मेरे पास आ गई, ये लो। मेरे नाम भी आई है? हाँ, सत्यवादी ने लिखी है। हे भगवान, ये चिट्ठी तो हूबहू इसकी नकल है। तो तुमने पढ़ ली? मैंने नहीं पढ़ी। क्यों हंस क्यों रही हो? तुम्हारे नाम की चिट्ठी यहाँ है, ये लो। मैंने दिया थी? हाँ। हे राम, हे भगवान, एक एक नकल सबको आई है, लेकिन अदला बदली होकर आई है। राधा, दीदी, सीता, दीदी, ये कैसी बिजली टूट पड़ी हम पर। इसके बाद यहाँ मत करो। हाँ, गुमनामी चिट्ठी की बात यहाँ मत करो, दीवारों के भी कान होते हैं। चलो ऊपर चलो। चलो। किसने लिखी होगी ये चिट्ठी? इसमें जो कुछ लिखा है क्या वो सच होगा? लिखने वाले का नाम ही सत्यवादी है। अरे बिना आग के कहीं धुआं उठा है, हम में से एक के पति और उस शीला देवी के बीच जरूर कोई मामला है। तो फिर पति का नाम यह सत्यवादी साफ साफ क्यों नहीं बताता? धीरे बोलो, अब साफ साफ कितनी बातें कहेगा, जो कहना था इशारे में कह दिया। आगे हमें ही पता लगाना होगा। शीला देवी हमारे साथ ऐसा विश्वासघात करेगी? लूटी लिंदिया के दिल छीना, किया मुश्किल मेरा जीना, मेरे पड़ोसी ने, मेरे पड़ोसी। तुम पूछ रही थी क्या शीला देवी हमसे विश्वासघात करेगी? अब सुन लिया, लूट निंदिया ये दिल छीना, किया मुश्किल मेरा जीना, मेरे पड़ोसी ने। अब और क्या चाहिए? वो तो किसी सिनेमा का गाना होगा,
गा रही थी। अभी क्यों गा रही थी? ताकि हम लोग सुने, सुनकर समझें और समझकर जलें। हाँ यही बात होगी। अब हम कैसे पता लगाएं कि किसका पति है वो? हम लोग शीला देवी से ही साफ साफ क्यों ना पूछें? उससे साफ साफ पूछोगी तो क्या वो साफ साफ जवाब देगी? तो अपने अपने पतियों से ही पूछेंगे। अरे मूर्ख, हमारे पतियों में से किसी को भी इसकी खबर नहीं होनी चाहिए और बिना उनके जाने हमें चाहिए उन्हीं से सारी बातें निकाल लें। चोर को तो चोरी से पकड़ना चाहिए। हाँ चोरी से पकड़ना चाहिए। क्या बात है पिताजी? सुनिए तो, माँ बहुत नाराज है। क्यों? माँ ने मुझे मारा। माँ ने मुझे भी मारा। अरे बाप रे। अच्छा तुम्हें बाद में आता। बाद में भी यही होगा। माँ तो सुबह से नाराज है पिताजी। सुबह से? तो घबरा मत, मैं सब ठीक कर देता। पार्वती, 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 हमारी शादी कैसे हुई? सात फेरे लगा के? हाँ हाँ, सात नहीं तो क्या सत्तर फेरे लगाते हैं। हम लोगों ने पहले प्यार किया फिर शादी की, है कि नहीं? हाँ, पहले प्यार किया फिर शादी की। प्यार कैसे किया? जैसे सब लोग करते हैं। कैसे? ये क्या सवाल पूछती हो पार्वती? कैसे? संगीत, संगीत ट्यूशन। तुम्हें पता चल गया? भूल गए तुम? तुम मुझे संगीत सिखाते थे कि नहीं? वो बात है, संगीत सिखाते सिखाते तुम प्रेम का राग आलापने लगे। याद है वो गाना गाया करते थे, तुमने मुझको प्रेम सिखाया, अब बताओ प्रेम का क्या मतलब हुआ? मुझसे पूछ रही हो? अरे मैंने तुमको प्रेम सिखाया। जो पूछती हूँ उसका जवाब दो। प्रेम करने के बाद शादी की तुमने, अब शादी के बाद तुम्हारा ऐसा करना ठीक है? मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? आजकल मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुम ऐसी हरकतें करते हो जो मुझे अच्छी नहीं लगती। पार्वती, तुम्हारी खींची हुई लक्ष्मण रेखा मैंने कभी पार की है? बहुरानी ये भी पूछो, आगे चल के तो पार नहीं करेगा, पूछो। पूछने की क्या जरूरत है, अभी खींचती हूँ लकीर। पीछे पीछे और पीछे। अगर ये सच है कि तुमने कोई गलती नहीं की तो दिन भर इस लकीर के अंदर खड़े रहो, मैं आकर देखती रहूंगी। हाँ क्यों रे, क्या देख रहे? मुबारक हो भैया, मुबारक हो। अब तक सिर्फ सुना ही था कि पत्नी की खींची हुई रेखा को पति लांग नहीं सकता, पर आज खुद मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं, मैं जरा आपका तमाशा देख रहा हूँ। तमाशा देख रहे हो? मैं यहाँ मुसीबत में हूँ, तुम मेरा तमाशा देख रहे हो? चले जाओ यहाँ से। चला जाओ? तो ऐसा करिए, मुझे 50 रुपए चाहिए। मेरे पास नहीं है। नहीं है? तो मेरे पास है ये फोटो। उस दिन शीला देवी के मकान पर आप सोफे के पीछे छिपे हुए थे ना, तो तभी मैंने ये फोटो लिया। कितना अच्छा फोटो है, मेरा मुंह बहुत अच्छा आया। ला मुझे दे। अभी दे, तू क्या करेगा इसे? मैं क्या करूंगा बताऊ? भाभी, उसको क्यों बुला रहा है? वो मारे गुस्से के मुझे लकीर में बंद कर दी है। ये फोटो देखेगी तो मुझे पिंजरे में बंद कर देगी। अगर आपको पिंजरे से बचना है तो मुझे 50 रुपए दे दीजिए। अरे कह दिया ना तुझे कि 50 रुपए नहीं है। कोई बात नहीं, 25 दे दीजिए। जीब आदमी है, 25 भी नहीं है। ठीक है, 10 ही चलेगा। अरे मेरे पास सिर्फ 5 ही रुपये है, वो भी बस में आने जाने के लिए रखे है मैंने। 5? हाँ मैं नहीं मानता, दिखाओ मुझे। दिखाओ। 5 रुपए की नोट नहीं देखा कभी? अजीब आदमी है ये, देखिए। अरे इसे कहते 5 रुपए की नोट। थैंक यू। अबे अब आना जाना पैदल ही कर लेना। अबे फोटो तो देता जा। अगर मैं फोटो आपको दे दूंगा तो आपके पास पैसे मांगने बार बार कैसे आऊंगा? इसका मतलब है तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? तो क्या मैं आपको बॉम्बे मेल करूं? देख मारूंगा तुझे। हाँ हाँ, मारोगे कैसे? लकीर से बाहर निकलोगे तब ना। तुम समझते हो अगर तुमने खाना नहीं पकाया तो मैं भूखा रह जाऊंगा? हाँ अरे अरे, मैं खुद अपने हाथ से खाना पकाऊंगा, खुद खाऊंगा और तुम्हें तुम्हें भूखा रखूंगा। हाँ अरे तुमने तुम्हें क्या रखा है मुझे? पहले जब कभी मैं ऑफिस से लौट के घर वापस आया करता था, बड़े प्यार से पूछते, क्या लोगे जी, चाय पियोगे, लस्सी लोगे, मठरी बना दूं?
न जाने क्या हो गया, सीधे मुझसे बात भी नहीं करती। तुम समझते हो मुझे खाना पकाना नहीं आता, हाँ समझते हो ना? तो देखो, रोटी तो बना रहा हूं, अब दाल बनाऊंगा, आलू की सब्जी बनाऊंगा असली घी में, और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अरे कुछ नहीं मिलेगा, तड़पती रहोगी। मैं खाता जाऊंगा और अरे ये क्या हो गया, ये तो जल के कोयला हो गई। अभी तो कोयला ही हुई है, थोड़ी देर और रहने दो तवे पे, राख हो जाएगी राख, फिर फांक लेना। कहाँ फांक लूंगा, तुम घर में लेके बैठी रहो, तुम कोई आवत हो चुड़ैल